Now we are going to start English idioms. This topic is very important from examination point of view. So let's start with the English idioms. Just you have to listen it carefully, and later on you have to memorize and understand idioms. Okay. Now let's start. What do idiom means first? What do idiom means first? Idioms are fun and useful expression that usually can't be understood by defining the separate words. Idioms need to be memorized as a whole. So idioms are fun and useful expression that usually can't be understood by defining the separate words. तो हम ये कह सकते हैं कि idiom जो है as a fun expressions हैं जो हम उसको जो है separate words या as it is wording से हम जो है define नहीं कर सकते. हम उसको जो है sometime उसको हमने guess करके situation समझ के उनको हमने समझना होता है. idioms need to be memorized as a whole. idioms को हम जो है memorize कर सकते हैं, याद कर सकते हैं. एग्जाम में इसको कॉलम मैच करना, आपने इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अंडरस्टैंड, जस्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द इडियम्स एंड आपको उसको मेमोराइज करना है एज अ होल, एंड मीनिंग पूरी आपने सही से याद कर लेनी है. नाउ लेट्स मूव नेक्स्ट. वी आर गोइंग टू स्टार्ट. एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, उसको आप समझने की जो है कोशिश कीजिएगा. इफ योर मदर सेज आई थिंक इट्स टाइम टू हिट द डे, शी मीन्स इज अ बैड टाइम. मतलब सोने का वक्त आ गया है. जैसे आपकी जो है मदर जैसे आपको ये कहना चाह रही टू हिट द डे. हिट द मीन्स इज अ टाइम फॉर स्लीपिंग. नाउ नेक्स्ट, ये जो है आपने इसको सही तरीके से जो है मेमोराइज कर लेना है, समझ लेना है. नाउ इडियम शुड बी यूज इन प्रॉपर सिचुएशन. दे एनरिच अवर स्पीच एंड इंक्रीज अवर वोकैबुलरी. idiom जो होते हैं वो हमारे जो है vocab को बढ़ाते हैं. grammar and vocab of the idiom are fixed and if we change them we lose the meaning of the idiom. अगर हम जो है grammar and vocab जो idiom की fix होती है अगर उसको हम change करेंगे तो हम vocab और meaning के साथ साथ हम idiom की जो जो sense है, जो understanding है, वो भी हम जो है नहीं समझ पाएंगे. तो ये जो है आपके लिए बड़ा important होता है कि इसकी vocab और जो साथ में जैसे grammar होती है वो fixed होती है, उसको आप change नहीं करें. अंडरस्टैंड. तो ये आपके लिए जो इम्पोर्टेंट होता है. नाउ एन idiom इज अ कॉमनली यूज एक्सप्रेशन दैट हैज अ स्पेशल मीनिंग. मीनिंग इज ऑफन डिफरेंट फ्रॉम द वर्ड सेड इन द लिटरल सेंस. हम ये कहते हैं कि जो इसकी मीनिंग होती है वो अल्फाज जैसे होते हैं ना, वर्ड होते हैं तो उनसे डिफरेंट होती है. अंडरस्टैंड. तो एज इट इज नहीं होती, उसको हमने जो है सही तरीके से जो है idioms की मीनिंग को समझना होता है और फिर हम उसका जो है अंदाजा लगा सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग. तो ये आपने प्रॉपरली जो है उसको समझ लेना है. नाउ नेक्स्ट सी बोल्ड फ्रॉम बिलू. ये जो idiom लिखा हुआ है दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. बोल्ड फ्रॉम बिलू क्या है? बोल्ड फ्रॉम बिलू मीन्स अ कंप्लीट सरप्राइज. एक ऐसी चीज जो आपके लिए जो है कंप्लीट सरप्राइज हो. फॉर एग्जाम्पल हम जैसे ये मैं आपको बोलूँ, सडन डिसमिसल फ्रॉम जॉब एज कम लाइक ए बोल्ड फ्रॉम बिलू फॉर यू. द न्यूज ऑफ हिज मैरिज वॉज अ बोल्ड फ्रॉम द बिलू. इनकी जो मैरिज की न्यूज थी एक सडन सरप्राइज था, कंप्लीट सरप्राइज था, दैट इज कॉल्ड बोल्ड फ्रॉम द बिलू. तो ये हमने जो है नोट करते रहना है. दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट. फेस द म्यूजिक. Now face the music means stand up to a pleasant consequences. I stayed out all night. When I eventually got home, I had to face the music from my parents. सिचुएशन को फेस करना या जो है प्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस, ऐसी जो सिचुएशन होती है जो जिसमें आपको जो है कहते हैं ना सजा मिलना, आपको किसी की झाड़ सुनना, आपको जो है पनिशमेंट की तरह जो जो अल्फाज यूज करते हैं जैसे हार्ड वर्ड पेरेंट्स यूज करते हैं समटाइम अगर आप लेट हो गए हो, तो हम इस तरह से ये idiom यूज करते हैं. टू फेस द म्यूजिक मीन नाउ यू हैव डन ब्लंडर, यू हैव डन मिस्टेक, नाउ यू हैव टू फेस द म्यूजिक. नाउ यहाँ पे देखिए क्या लिखा, कह रहे हैं कि मैं जो है नाइट टाइम बाहर रहा तो जब इवेंचुअली घर आया तो मुझे जो है अपने पेरेंट्स से ये जो है फेस द म्यूजिक, मतलब म्यूजिक जो है फेस करना पड़ा. Now next, a bird in the hand is worth two in the bush. Now let's see what is the meaning. Having something certain is better than for more and taking risk because you cannot you lose everything. इसमें हम इसको इस तरह से समझा सकते हैं
कि अगर आपके पास जो है बर्ड्स आपके, जैसे इसमें एग्जांपल दिया, बर्ड्स इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश, इट मींस आपके पास एक चीज जो है वो बेटर है एज कंपेयर्ड अगर आपके पास जो है दो चीजें के पीछे आप पड़ जाते हैं, दो चीजें हासिल करना चाहते हैं। ऐसा ना हो कि एक चीज जो आपके पास है वही आप लूज ना कर दें। इट मींस द बर्ड इन द हैंड इज वर्थ टू इन द बुश। लाइक आपके पास जो इफ यू हैव 500 रुपीज एंड आप लगता है आपके लिए इनफ है अभी, देन यू आर रनिंग आफ्टर मनी, आपने और ज्यादा 2, 3, 4, 5, 500 नोट के पीछे भागते हैं तो आप जो है वो भी प्रॉब्लम हो सकती है आपके लिए कि यू माइट लूज 500 रुपीज। जैसे जस्ट आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसी तरह आपको ये कहते हैं कि हैविंग समथिंग सेट मींस बेटर देन, ठीक है। तो आपके पास जो चीज आपके हाथ में होती है वो आपके लिए हम कहते हैं कि बेटर है। अब नेक्स्ट इसको हम जो है क्या उसको नोट करते हैं, a blessing for disguise, blessing in disguise is something good that it isn't recognized. आपके पास जो एक चीज है आपके लिए एक blessing है, आपके पास पहले से है but आपने उसको सही से पहचाना नहीं है, आपने उसको सही से समझा नहीं है, that is called a blessing in disguise, means you haven't recognized earlier. एक ऐसा आपके पास एक ऐसी चीज हो जो आपके लिए ब्लेसिंग हो, आपके लिए गॉड गिफ्टेड हो, जिसने आपको आपने सही तरीके से उसको पहचाना नहीं हो, दैट इज वी कैन से दैट अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। नाउ नेक्स्ट, फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड, अ फूल एंड हिज मनी आर इजीली पार्टेड, अ फूलिश पर्सन कैन इजीली लूज हिज मनी। जो हम कहते हैं ना कि बेवकूफ आदमी होता है उससे आप आसानी से आप जो है उनके पैसे जो है उनसे उनको बेवकूफ बना के उनसे पैसे वो आसानी से छीन लेते हैं लोग, या उनसे जो प्रॉपर्टी एक्सेप्ट कर लेते हैं, या वो कभी भी जो है अपनी लाइफ में जो है हार जाता है, उनसे जो है प्रॉपर्टी लोग छीन लेते हैं, पैसे छीन लेते हैं। मीन्स हम ये कहते हैं कि जो फुलिश मैन है उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है, अंडरस्टैंड फ्रॉम द वर्ड्स मीन्स इट द फूल पर्सन, उसको कोई भी बेवकूफ बना सकता है। नाउ नेक्स्ट, अ पीस ऑफ केक, समथिंग दैट कैन बी अकॉम्प्लिश वेरी इजीली। हम ये कहें कि हम कहते हैं फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई चीज आसानी से जो है अचीव करने, जैसे टू पास CSS एग्जाम इज नॉट अ पीस ऑफ केक, जैसे मैंने आपको सेंटेंस बताया, इट मीन्स कोई चीज आपके लिए जो है आसानी से अचीव कर सकते हो, कहते हैं दिस इज अ पीस ऑफ केक फॉर मी, ये मेरे लिए जस्ट क्या है पीस ऑफ केक है, बट बीच कोई चीज आप आसानी से अकॉम्प्लिश कर लें। Now, a dagger's drawn. Dagger's drawn कहते हैं आपस में दुश्मनी होना। Two brothers are set dagger's drawn in the death of their father. Now means ये दोनों जो भाई थे आपस में दुश्मन थे and वो जो है अपने फादर की डेथ के ऊपर जो है उनकी आपस में दुश्मनी हो गई। That is called dagger's drawn. Now, action speak louder than words. It is better to do something and just only जैसे हम कहते हैं ना कि सिर्फ बोलना नहीं है, एंड इट इज बेटर टू डू समथिंग। जैसे हमने एक चैप्टर पढ़ा था मिलर एंड लिटिल हैंस का डिवोटेड फ्रेंड पढ़ा था, तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर मैन ऑफ एक्शन एंड कुछ लोग ऐसे होते हैं दे आर मैन ऑफ वर्ड्स। अब जो मैन ऑफ एक्शन जो होते हैं वो जो है एक्चुअली वही लोग काम के होते हैं, बिकॉज एनीबडी कैन से चार्मिंग थिंग, एनीबडी कैन से यू नो इंटरेस्टिंग थिंग्स, बट मैन ऑफ एक्शन जो लोग होते हैं वो क्या करते हैं, बोलते कम है और चीजों को करके दिखाते हैं। तो आपने जस्ट इसकी पहले मीनिंग समझ ली है, इट इज रिटन एंड फ्रॉम द इमेज यू कैन अंडरस्टैंड। ओके, नेक्स्ट इज नेवर बाइट द हैंड दैट फीड यू, नेवर बाइट द हैंड दैट फीड यू, नेवर हार्म समवन, दैट इज यू नो नेवर हार्म समवन, जैसे दैट हेल्प्स यू या दैट इज हेल्पिंग यू। अगर आपको कोई जो है नुकसान, अगर आपकी कोई हेल्प कर रहा है तो आप उसको जो है नुकसान नहीं पहुंचाओ, अंडरस्टैंड, नेवर हार्म समवन, जो आपकी हेल्प कर रहा है आप उसको क्या करो नुकसान नहीं पहुंचाओ, बिकॉज दैट इज यूजफुल फॉर यू। अब जैसे इसमें ये पिक दी हुई है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल एक लेडी है वो जो डॉग का बिल्कुल केयर करती है, बट जैसे जो है डॉग को उनके साथ इस तरह का बिहेवियर नहीं करना चाहिए, अंडरस्टैंड, द रीजन इज दैट कि वो जो है एक पहले से आपकी जो है हेल्प कर रही है। तो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड barking up the wrong tree, when you are trying to find something you are looking in the wrong direction. hum ye agar kahe hain ki jaise dekhen dog ka image diya gaya, aap dog jo hai jo cheez dhoondna cha raha hai it is on the opposite side, opposite tree, aur ye jo hum kehte hain koi cheez wrong direction mein chale jana aur usko dhoondne ki koshish karna jo it is not suited for you,
अंडरस्टैंड जो मैं आपको कहने जा रहा हूँ उसका मतलब ये होता है कि आप जो हमेशा राइट डायरेक्शन में चीजें ढूंढते हैं एंड पार्किंग अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है ट्राइंग टू फाइंड समथिंग मींस यू आर लुकिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन दैट इज नॉट यूजफुल फॉर यू. नाउ नेक्स्ट अंडर द वेदर. अंडर द वेदर मीन्स फीलिंग इल. अंडर द वेदर कहते हैं फीलिंग इल का मतलब बीमार होना. मतलब जैसे किसी को जो है कुछ लोग ऐसे सेंसिटिव होते हैं दे यूजुअली यू नो दे बिकम अंडर द वेदर वो इल हो जाते हैं बीमार हो जाते हैं या जैसे मौसम चेंज हो जाता है दे बिकम इल. ऑन क्लाउड नाइन फीलिंग एक्सट्रीम हैप्पीनेस. हम जैसे कहते हैं व्हेन वी अचीव समथिंग व्हेन वी अकॉम्प्लिश समथिंग इन अवर लाइफ दैट वी कैन से दैट वी आर ऑन क्लाउड नाइन. इट मीन्स लाइक वी हैव अचीव समथिंग एक्सपेंसिव या हम जैसे ये कह सकते हैं वी हैव अचीव अवर टास्क एंड देन वी फील ऑन द क्लाउड नाइन. हमने कोई ऐसा टास्क अचीव कर लिया हो इंटरेस्टिंग टास्क अचीव कर लिया हो जिसे हम कह सकते हैं कि अब हम बिल्कुल जो है खुश हैं अपनी लाइफ में जो है एक्सट्रीम हैप्पीनेस दैट इज कॉल्ड ऑन क्लाउड नाइन. एंड नेक्स्ट That hair is so behind the time, old fashionable, out updated. जैसे हम कहते हैं outdated, hair is so behind the time का मतलब ये कहते हैं that is the old fashion style. Sometimes we use the hair is so behind the time style. जो आपको लगता है कि ये outdated style है बिल्कुल किसी काम का नहीं है या पुराना style है that sometimes don't suit you as a fashionable life you are living. तो हम जैसे ये कह सकते हैं that hair is so behind the time. Keep me in the loop. Keep me in the loop means fully informed. किसी चीज को आप बिल्कुल जो है किसी चीज के बारे में आपको पूरी इंफॉर्मेशन लेनी है तो हम ये कहते हैं प्लीज कीप मी इन द लूप अबाउट एग्जामिनेशन. तो हम कहते हैं एग्जाम के बारे में हमें फुली इन्फॉर्म करते जाइएगा वट विल द सिचुएशन टाइम टेबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तो दैट वी कॉल कीप मी इन द लूप. दैट idiom we usually use. Please keep me in the loop about the preliminary examination. हमें जो है प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में हमें फुली इन्फॉर्म करते रहिएगा दैट इज कॉल्ड कीप द लूप. नाउ नेक्स्ट इज नेवर बाइट अप मोर देन यू कैन च्यू. टू टेक ऑन अ चैलेंज दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. इट मीन्स दैट हम जो हैं कि कोई चीज ऐसी चीज आपके सामने जो आपको लगता हो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल इट इज वेरी डिफिकल्ट टू च्यू. एक ऐसी चैलेंज आप जो है एक्सेप्ट कर लें दैट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू. फॉर एग्जांपल टू पास सीएसएस एग्जामिनेशन विद इन 3 मंथ इट्स लाइक ए नेवर बाइट ऑफ अंडरस्टैंड. ये जैसे जो आपके लिए जो है एक ऐसी सिचुएशन है यू कैन नेवर बाइट ऑफ. सो ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं. द मेन पर्पज ऑफ idiom इज टू जस्ट एक्सप्लेन द मीनिंग. आपको एग्जाम में मीनिंग को मैच करना होता है मीनिंग को समझना होता है. ये चीजें आपको गिवन होती हैं ओनली इमेज गिवन नहीं होता. बस आपने क्या करना होता है जस्ट यू हैव टू मैच द idiom विद द रिलेवेंट मीनिंग दैट इज आवर मेन टास्क टू अंडरस्टैंड. अंडरस्टैंड. नेक्स्ट आउट ऑफ ऑर्डर. ऑन द ब्लिंक इज इन वर्किंग प्रॉपरली इज आउट ऑफ ऑर्डर. इट मीन्स like something is out of order. My car is out of order. Out of order means it isn't working properly. तो ये कोई चीज खराब हो जाए on the blink that isn't working properly we can say that is out of order. Head in the sand. Head in the sand means refusing to think about unpleasant situation. आप जो कोई ऐसी सिचुएशन आपके लिए आएगी दैट इज अनप्रेजेंट फॉर यू यू थिंक दैट आई कैन नॉट फेस इट दैट इज कॉल्ड हेड इन द सैंड. इट मींस लाइक आप जो है हिम्मत हार जाना यू कैन नॉट फेस द सिचुएशन एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू फेस द सिचुएशन दैट वी कॉल एट द हेड इन द सैंड. अब ये मीनिंग उसकी लिखी हुई है यू कैन जस्ट अंडरस्टैंड इट इजीली बिकॉज इट्स वेरी इजी. उसकी मीनिंग को समझना इतना मुश्किल नहीं. नाउ नेक्स्ट ऑन द बॉल कॉम्पिटेंट. जैसे हम कहते हैं कि ऑन द बॉल मीन्स ही इज डूइंग समथिंग ऑन द बॉल लाइक इज वेरी कॉम्पिटेंट ऑन द ट्रैक है ऑन द बॉल एंड मीन्स यू आर अचीविंग समथिंग यू आर डूइंग गुड यू आर कॉम्पिटेंट. इट मीन्स ऑन द बॉल. ऑन द बॉल का मतलब ये होता है कॉम्पिटेंट होना कोई चीज में अच्छे तरीके से करना. इन द ब्लैक. इन द ब्लैक मीन्स मेकिंग प्रॉफिट आउट ऑफ डेब्ट. कहने का मतलब ये होता है कि आप किसी जो है आप कर्ज से निकल कर आप प्रॉफिट कमाना शुरू कर दें अच्छी सिचुएशन में आ जाएं ऐसी सिचुएशन में आ जाएं जहां आपको लगे कि आप पैसे कमा रहे हैं. इट मीन्स यू आर अर्निंग मनी अर्निंग प्रॉफिट.
दैट इज कॉल्ड मेकिंग अ प्रॉफिट आउट ऑफ द डेब्ट। तो ये आपने सही तरीके समझ लेना है। हिट द डे, हिट द डे मीन्स वेन टू बैट। इट्स वेरी इजी, बहुत आसान है समझना। लाइक मदर टोल्ड हर टू हिट द डे, अब आप जो बैट पे जाएं और सो जाएं, एट दैट्स इट। हिट द डे मीन्स सो जाना, कहीं बैट पे जाना, सो जाना, बिकॉज आपने जो है टाइम आपका अप है। नाउ नॉक ऑन द वुड, आई एम मच बेटर नाउ। इट मीन्स लाइक आप जो है आप बिल्कुल बेटर हैं, इन अ गुड कंडीशन है, यू आर नॉकिंग ऑन द वुड नाउ। इट मीन्स लाइक यू फील बेटर एंड इट्स गुड फॉर्च्यून फॉर यू टू अर्न एनीथिंग, टू अर्न मनी, और यू कैन से दैट टू कंटिन्यू समथिंग। इट मीन्स टू नॉक ऑन द वुड मीन्स नाउ यू आर इन अ बेटर पोजिशन टू डू समथिंग, दैट इज कॉल्ड नॉक ऑन द वुड एंड स्टार्ट योर जर्नी नाउ। सो दैट इज नॉक ऑन द वुड। Off the wall means French, very different. For example, we say that like my boss is a millionaire, he might invest or no, in meeting just he will tell off the wall. What the situation is, strange situation in meeting, what will he say, I don't know. That is like off the wall. Off the wall ka matlab, कोई आदमी कोई चीज ऐसे आपको बोले कोई स्ट्रेंज जो क्या कहेंगे, यू डोंट हैव एनी आइडिया। अंडरस्टैंड व्हाट माय बॉस विल टेल मी इन द मीटिंग, इट्स ऑफ द वॉल, इट मींस इट्स वेरी स्ट्रेंज, माइट बी सरप्राइजिंग फॉर यू, आई डोंट नो, दैट इज लाइक द ऑफ द वॉल। अ बेड ऑफ रोजेस, एन इजीली एंड इजी एंड अनप्लेजेंट एंड प्लेजेंट सिचुएशन, प्लेजेंट सिचुएशन। लाइफ इज नॉट लाइक अ बेड ऑफ रोजेस, लाइफ इज नॉट अ इजी लाइफ, जो है आपको स्ट्रगल करनी पड़ती है। लाइफ इज नॉट इजी, लाइफ इज नॉट अ बैड ऑफ रोजेस। जस्ट मैं आपको जो सेंटेंस समझा रहा हूँ, सो दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो बैड ऑफ रोजेस मीन्स कि ऐसी सिचुएशन, इजी सिचुएशन होना और प्लेजेंट सिचुएशन होना। नेक्स्ट गो टू द पॉइंट, ओके। नाउ नेक्स्ट बैक सीट ड्राइवर। नाउ व्हाट इज बैक सीट ड्राइवर? Someone who criticizes the behind, जैसे हम ये अगर बोले कि कोई आपको जो तनकीद कर रहा है, आपको जो है जैसे इसमें यह बताया गया है कि कोई आपको annoyingly giving unwanted कोई suggestion दे रहा है या आपको जो criticize कर रहा है, जो आपको hurt कर रही है, that we call backseat driver, like you are seeing in the image, जैसे ये जो है ऐसे ही जैसे एक annoyingly giving unwanted advice to something, that is not required for the time being, that is called a backseat driver. Understand, it is very easy. Now next we can say that get off my back, quite nagging or bothering. Quite nagging or bothering means जैसे जो आपके लिए जो है परेशान कुन हो, जो आपके लिए बहुत मुश्किल हो, जिसे हम कहते हैं गेट अप माई बैक नाउ, ओके। सो ये आप जो पिक देख सकते हैं इसमें क्या बताया गया है, नाउ सी द वर्ड्स, ये जो बैठा हुआ है ये बहुत परेशान है बिकॉज उनके ऊपर एक और वर्ड बैठा हुआ, दैट इज कॉल्ड गेट अप माई बैक, ओके। नाउ वेट बिहाइंड द ईयर, वेट बिहाइंड द ईयर मीन्स आइदर वेरी यंग और इनएक्सपीरियंस, दैट इज यू आर लुकिंग एट यू नो sit behind the ear of the girl, that means the weight behind the ears means jise hum pasina jaise chehre pe ya jaise ye behind ear hota hai to hum andaza laga denge that lady or that girl or koi bhi ho that is either young or inexperienced from the facial expression and from the worrying or confusion situation ab ye andaza laga lete hain ki it is like a weight behind the ears. Next, against the clock, against the clock, understand, to move against the clock, against the clock jana ka matlab ye hona ki aap koi aisi journey jo hai kare, aisa safar kare jo aap ye bolenge you are not on time, understand, that we call that against the clock. An arm and a leg, very expensive, large amount of money, मतलब आप कोई चीज जो है आपने पूरी अपनी जैसे लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगाई हुई, दैट्स लाइक आर्म एंड लेग, यू हैव इन्वेस्टेड आर्म एंड लेग ऑन दिस थिंग, लाइक पूरी आपने बहुत ज्यादा जैसे आपने उस पर जो है लगाया है पैसा, दैट इज कॉल्ड एंड आर्म एंड अ लेग। नाउ नेक्स्ट इज वी कैन से दैट बाइट योर टंग मींस टू अवॉइड टॉकिंग। अवॉइड टॉकिंग का मतलब क्या होता है,
आप जो है बिल्कुल खामोश हो जाएं, बोलना बंद कर दें, दैट इज लाइक बाइट योर टंग. व्हेन टीचर सेज बाइट योर टंग नाउ, दैट्स वी हैव टू स्टार्ट आवर लेक्चर. इट मींस टू अवॉइड टॉकिंग, जस्ट सिट साइलेंट एंड लिसन, दैट इज कॉल्ड बाइट योर टंग. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट इज, ब्लड इज थिकर देन द वाटर. ये जैसे idiom जो है इस तरह से पढ़ा हुआ है कि जैसे हम जो पहले इसमें सेकेंड ईयर में इंक्लूड कर दिया था कि लाइक ब्लड इज थिकर देन द वाटर, ये जैसे फर्स्ट ईयर के सिलेबस में अमूमन एग्जाम में भी आता रहता है कि जैसे हम ये कह सकते हैं कि आप कोई चीज़ के लिए स्ट्रगल करते हैं, अंडरस्टैंड, किसी चीज़ के लिए आप जो है बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं उसको अचीव करने के लिए. जैसे हम कहते हैं ना पेन, जैसे होती है पेन यूज करते हैं, जैसे पेन इज, जैसे हम कहते हैं कि एक कलम जो है सबसे ज्यादा ताकतवर होता है क्योंकि उसमें कलम की ताकत होती है. इन ए सिमिलर वे, व्हेन यू आर पुटिंग योर हार्ट एंड सोल टुगेदर इन समथिंग टू गेन समथिंग, अंडरस्टैंड, दैट वी कैन से ब्लड इज थिकर देन वाटर. मतलब कहने का कि ये से जैसे पानी पानी और ब्लड जो होता है इट्स लाइक डिफरेंट थिंग्स, बट आप जो किसी चीज़ को अचीव करने के लिए अपने हार्ट एंड सोल, अपने लाइफ, अपने पूरी अपनी एफर्ट लगा रहे होते हैं, एंड अचीव फॉर द अचीविंग समथिंग, दैट वी कैन से ब्लड इज थिकर देन वाटर. एंड द डॉग डेज ऑफ समर, द हॉटेस्ट डे, जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे एपिक में आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कोई मुश्किल तरीन दिन हो आपके लिए, दैट इज द हॉटेस्ट डे ऑफ द समर, डॉग डेज ऑफ समर, अंडरस्टैंड, वी कैन से दैट हॉटेस्ट डे, बहुत ज्यादा जो है गर्म दिन, अंडरस्टैंड. नेक्स्ट, कीप एन आई ऑन हिम, यू शुड केयर वॉचफुली, कीप एन आई ऑन हिम. मतलब कहने का कि आप जो है क्या कर सकते हैं, कीप एन आई ऑन हिम का मतलब क्या हो गया कि आप जो है किसी चीज को वॉचफुली, केयरफुली किसी चीज को देखें. तो जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे बॉस टोल्ड मी टू कीप आई ऑन स्टूडेंट व्हाट दे आर डूइंग, अंडरस्टैंड, उनके ऊपर जो है आप जो है कीप एन विजिलेंट आई ऑन द स्टूडेंट कि वो क्या परफॉर्म कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, दैट वी कॉल दैट कीप आई ऑन हिम. Now that is very important. Lend me your ear. To ask for someone full attention. जैसे हम ये कह सकते हैं कि हम जो है किसी को ये चाह रहे हों कि आप जो है पूरी तवज्जा दें हम पे. For example, right now I am telling you lend me your ear. अंडरस्टैंड, आप जो मुझे तवज्जा दें और ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ द idioms जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बहुत आसान है और उसको जो है जस्ट मीनिंग को आप समझने की कोशिश करें, एंड दैट मटेरियल इज अवेलेबल टू यू एंड यू कैन जस्ट ओनली लिसन एंड अंडरस्टैंड. एंड नेक्स्ट इज पिक अप योर ईयर टू लिसन वेरी केयरफुली, जिससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई चीज़ आप केयरफुली सुने, गौर से सुने, उसको समझें, उसको हम इंग्लिश में कहते हैं पिक अप योर ईयर. नेक्स्ट इज ये जो इम्पोर्टेंट है उसको हम पढ़ना चाह रहे हैं, इसमें क्या बताया गया है, द बॉल इन योर कोर्ट. अब इसमें क्या बताया गया है, नाउ इट्स योर डिसीजन दिस टाइम, अब नाउ बॉल इज इन योर कोर्ट, द बॉल इज इन योर कोर्ट का मतलब क्या है कि अब ये जो है आपके हाथ में डिसीशन है, आप उसको किस तरह जो है मैनेज कर रहे हैं, किस तरह उसको जो है चीज़ों को जो है आप जो है उसको मैनेज करके जो है आप किस तरह चला रहे हैं, दैट इज लाइक द बॉल इज इन योर कोर्ट नाउ, मीन्स द डिसीशन इज इन योर फेवर नाउ, अब आप उसको जो है किस तरह चलाएं. ओके, सो नेक्स्ट, द काउ कम होम अ लॉन्ग टाइम. अ लॉन्ग टाइम का मतलब ये होता है कि बहुत लंबे टाइम के बाद, अंडरस्टैंड, टिल द काउ कम होम मीन्स लाइक यू हैव स्पेंड मोर टाइम अब्रॉड एंड देन यू आर रिटर्निंग होम आफ्टर लॉट ऑफ टाइम टिल द काउ कम होम. नेक्स्ट इज यूज योर लोफ, यूज योर ब्रेन, थिंक, थिंक समथिंग, किसी चीज के बारे में सोचना, अपना माइंड इस्तेमाल करना, टू मीन यूज योर लोफ. व्हेन द पिग फ्लाई,
समथिंग दैट विल नेवर एवर हैपन, कोई ऐसी चीज जो कभी नहीं होगी. When the pig fly, that is called, that is impossible for you. अच्छा, इसमें जैसे कुछ जो है हमने बहुत important important उसको जो है पढ़ लेने जो है आपने. इसमें मैंने कुछ ऐसे idioms भी include किए हुए हैं that are जो हम ये कह सकते हैं कि आपके syllabus के हिसाब से जो है वो भी कुछ जो है वो मैं आपको जैसे कट कर देता हूँ, कट कर रहा हूँ साथ में ना एक दो, तो वो इतने important नहीं है. Now next is your guess is good as mine. It means I have no idea about something. I have no idea about something means आपका guess हो सकता है मुझसे ज़्यादा जो है अच्छा हो. That is called that your guess is as good as mine. Understand? While goose chase, ये भी हमने पढ़ लिया था पहले, इसको ऐसे में आपको अगर समझा दूँ, wild goose कहते हैं बेकार की कोशिश करना. ये जैसे जो है इस तरह के जो हमने सिलेबस के हिसाब से टेक्स्ट बुक के बैक साइड idioms लिखे होते हैं ना, वो एग्जाम में ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको देते हैं, वैसे आप उसको पढ़ सकते हैं कोई बेकार की कोशिश करना. लैम एक्सक्यूज इसका सिमिलर, जैसे किसी चीज को जैसे हम कहते हैं ना कोई ऐसा एक्सक्यूज दे देना, ऑफ कोर्स द लैम एक्सक्यूज दैट देयर आर शिपिंग डिफिकल्टीज, इट मीन फॉर शिपिंग डिफिकल्टीज यू आर गिविंग लैम एक्सक्यूज. अंडरस्टैंड? नाउ नेक्स्ट, अ रेड लेटर डे, terrific day, awesome day of jubilation, day of celebration, that is called a red letter day. 14th August is the red letter day in the history of Pakistan, that is called the red letter day. So it is very important. Next, a fish out of water, something who is in a situation that you are unsuited to. Like जैसे in preliminary examination, you know, students feel like a fish out of water. तो अमूमन हम ऐसा देखते हैं कि जब प्रिलिमिनरी सिचुएशन, प्रिलिमिनरी एग्जाम में जो ऐसी सिचुएशन हो जाती है स्टूडेंट के लिए अनसुटेड होती है, दे आर इन टेंशन, दे आर वरी व्हाट टू डू, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी कैन से दैट अ फिश आउट ऑफ वाटर, समथिंग विद इन अ सिचुएशन दैट आर अनसुटेड टू, जिससे हम कह सकते हैं कि ये जो आपके लिए ऐसी कंडीशन है दैट इज कॉल्ड अ फिश आउट ऑफ वाटर. नाउ नेक्स्ट, बर्न द मिडनाइट ऑयल, to stay up late working on a project or task. The phrase refers to you know, guided practice of using an oil lamp. Hum jaise ye example jaise the Rinai has been burning the midnight oil and try to finish this report, so she must be exhausted to put heart and soul in the study, to put heart and soul to complete anything, to complete any task. कोई स्टडी के रिलेटेड अपनी पूरी जान, जैसे दिलो जान से टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, पूरी दिलो जान से मेहनत करना किसी चीज़ को अचीव करने के लिए, किसी चीज़ को अकॉम्प्लिश करने के लिए, तब हम उसको लगाते हैं टू बर्न द मिडनाइट ऑयल. तो ये जो है अमूमन हम जैसे इसको डिफरेंट सेंस में भी इसको हम यूज़ कर सकते हैं. I would need to burn the midnight oil to have a chance of finishing this paper before class tomorrow morning. Before classes tomorrow morning, it means like कह रहे कि मैं कल की क्लास स्टार्ट होने से पहले ये आपको टास्क देता हूँ, आप लोग पूरी दिलो जान के इसको जो है आप क्या करना है फिनिश कर दें, इसको खत्म कर दें, इस टास्क को कंप्लीट कर दें, to burn the midnight oil. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जो 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 इसमें से मैंने आपको टाइम के हिसाब सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट idioms की मीनिंग बता रहा हूँ, तो उसको आप सही तरीके से जो है अच्छे से उसको मेमोराइज कर लेना है, बिकॉज दीज idioms आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. और हम ये उसको समझते हैं सिर्फ आपने किस तरह अटैम्प्ट करना है, मीनिंग को उसको मैच करना पड़ता है आपको, मीनिंग गिवन होती है. अंडरस्टैंड? ये थोड़ा सा पिक दे के समझाने का और उर्दू में बताने का रीज़न ये है कि आपको मीनिंग की थोड़ी एक्सप्लेनेशन दी गई है, उसको आपने जस्ट नथिंग यू हैव टू डू, ओनली जस्ट यू हैव टू मैच द कॉलम. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स नॉट डिफिकल्ट और आपके लिए आसान भी. नाउ ऑल इन ऑल, ऑल इन ऑल हम ये कहते हैं ऑन द होल. ऑन द होल मीन्स व्हेन एवरीथिंग इज कंसिडर्ड. We have had some bad time in our marriage, but all in all, that past 30 years have been happy. On the whole, we can say that. कहेंगे हमें कुछ जो है बुरा वक्त गुजारना पड़ा in our marriage, but past हम ये कहते हैं कि 30 years में, but overall हम खुश रहे हैं. On the whole, we are happy and हमें कोई इतनी ज़्यादा जो है परेशानी नहीं हुई. तो ये जो है हम कह सकते हैं कि
ऑल इन ऑल, अंडरस्टैंड, और ऑल इन ऑल हम ये कह सकते हैं कि ही इज ऑल इन ऑल ऑफ द दिस हॉस्पिटल, जैसे हम कहते हैं कि इस हॉस्पिटल का ये बॉस है और ऑल इन ऑल है लाइक फेवरेट पर्सनैलिटी एंड इज हैंडलिंग ऑल दैट मैटर्स इन द हॉस्पिटल, दैट इज कॉल्ड ऑल इन ऑल, तो जो सिचुएशन को सबको जो है डील करने वाला हो. सो ये जो हमने सारे इंपॉर्टेंट idioms पढ़े, आपको मैंने मेमोराइज किया, समझाया, तो दीज idioms आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. आपने क्या करना है, जस्ट यू हैव टू नोट डाउन द idiom इन योर कॉपी, कॉलम को मैच करना है, मीनिंग को समझना है और मैच द कॉलम की प्रैक्टिस करनी है. जैसे हमने जो है इससे पहले मैंने आपको समझाया हुआ डिटेल में किस तरह कॉलम मैच करना है, किस तरह मीनिंग को समझना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड. तो ये आपने जो है इसको सही तरीके से जो है मेमोराइज करना है और समझ लेना है, बिकॉज दिस वन इज वेरी सुटेबल फॉर यू और एग्जाम में आपको एक काम आएगी. अंडरस्टैंड इसके रिलेवेंट जो भी क्वेश्चन आंसर मतलब आपने समझ लेने हैं, जो जो सेंटेंस में दिए होते हैं ना किस तरीके से कौन सी चीज़ पूछी जा रही है, ऊपर जो सेंटेंस दिया होता है, कॉलम दिया होता है, उसको आपने सही तरीके से समझ लेना है. तो इट मीन्स ऑल इन ऑल ऑन द होल व्हेन एवरीथिंग इज कंसीडर्ड. तो ये आपने समझ लिया, ये हमारा जैसे लास्ट वीडियो भी हमने जो है नोट कर लिया.